गाइस आगे का रास्ता खाली है, हम लोग एक्सपल्स 200 वर्सेस अपाची 164B का एक ड्रैग करने वाले हैं, तो लेट्स गो। चो ऑन थ्री हॉर्न, ऑन थ्री हॉर्न, ओके गाइस। फर्स्ट अटेम्प्ट में अपाची पीछे रह गया है, शायद उसका लॉन्चिंग ठीक नहीं हुआ था, दोबारा से करते हैं। अपाची को तो आगे जाना ही था, आफ्टर ऑल दिस इज 4-valve मशीन। भाई पूरा मेरा गाड़ी का टॉप स्पीड 120 है, ओके 20, हाँ मेरा 120 का ऊपर नहीं जाता है, तो 120 तक मैं तुझसे आगे था। A few moments later. Hi guys, welcome back to my channel. My name is Anish और आप देख रहे हैं Anish Rider Mishra. तो आज मेरे साथ है एक्सपल्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरा एक्सपल्स 200T है। तो अभी हम लोग आए हैं NH2 में, ये मेरा बगल से जा रहा है NH2। तो बहुत ही खूबसूरत सा लोकेशन है, एज यू गाइस कैन सी पीछे पूरा खाली रोड है, बट ये जो रोड है ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ हम लोग आज एक्सपल्स 200 के साथ, एक्सपल्स 200T के साथ एक्चुअली अपाची 164B का एक ड्रैग करने वाले हैं। एंड ये जो रोड है गाइज, यहाँ आराम से 0 to 100 तक आराम से ड्रैग पॉसिबल है। तो चलिए गाइज, चैनल में वीडियो में बने रहिए एंड देखते रहिए। दिस इज़ माय एक्सपल्स 200T BS4 कार्बोरेटर एडिशन। तो आज जिसके साथ ड्रैग करने वाले हैं ये अपाची 164B, सबका फेवरेट एंड मोस्ट पावरफुल 160cc बाइक। ये जो अपाची 160 है ये 16 BHP वाला अपाची 160 है, नॉट HP, मतलब हाई पावर एडिशन नहीं है, जो न्यूली लॉन्च किया है जिसमें 17.63 BHP दिया गया है, वो वाला अपाची ये नहीं है। सो इसका पावर फिगर्स है गाइस 16.63 एंड टॉर्क है 14.2 या 4। एंड ये जो मेरा एक्सपल्स है ये BS4 कार्बोरेटर एडिशन है, उसलिए इसका जो पावर फिगर्स है 18.4 BHP एंड इसका जो टॉर्क है गाइस 17.1 Nm। सो जो लोग जानते हैं वो लोग के लिए तो बहुत अच्छा, बट जो लोग नहीं जानते हैं उन लोग के लिए मैं ये बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन। एंड ये गाड़ी कार्बोरेटेड है, ये गाड़ी फ्यूल इंजेक्टेड है। एक्सपल्स 200 इसका ऑन रोड प्राइस है, मैं जब लिया था BS4 वाला इसका प्राइस पड़ा था मेरे को 1,23,000 समथिंग। एंड ये जो BS6 है इसका ऑन रोड प्राइस 1,31,000। तो चलिए गाइस ड्रैग करते हैं, रास्ता पूरा सामने खाली है एंड वेदर भी काफ़ी प्लेजेंट सा है, लोकेशन भी बहुत धासु सा है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो गाइस, मुद्दे पे आते हैं, ड्रैग स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, सो अभी अपाची 164B वर्सेस एक्सपल्स का स्टार्ट हो रहा है, ओके ऑन थ्री हॉर्न्स।
दादा अगर इसका लॉन्चिंग सही हुआ तो अपाची इसको नहीं बीट कर सकता है। सो बट एक्चुअली टॉप एंड में ये अपाची 160 जीत जाएगा, क्योंकि भाई वो 4 valve बाइक है एंड ये है 2 valve बाइक। सो सीसी डजंट मैटर। सो गाइस, फिर से हम लोग आ गए हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे एंड अभी हम लोग राइडर चेंज करेंगे, देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है। हाँ, तो मैं आ चुका हूँ अपाची 164B में, कैमरा रोलिंग एंड ऑन 3 horn। सो गाइज, दिस टाइम मैं ये चला रहा था उसलिए अपाची 160 जीत गया। तो सो गाइज, ये जो ड्रैग वगैरह डिपेंड करता है लॉन्चिंग का ऊपर। अगर लॉन्चिंग सही रहेगा तो बहुत बेनिफिट मिलता है कोई भी बाइक को। और एक बार ड्रैग करेंगे, नो डाउट गाइज, और एक बार ड्रैग करेंगे एंड ये वाला ड्रैग होगा फाइनल ड्रैग। इसमें जो जीतेगा वही विनर रहेगा। तो मिलते हैं फिर से स्टार्टिंग पॉइंट में। सो गाइस, अब होने वाला है इसका फाइनल ट्राई एंड यही ड्रैग रेस डिसीजन लेगा जो दोनों में से विनर कौन है। ऑन थ्री हॉर्न। ओ, व्हाट अ मुकाबला। एंड गाइस, ये ड्रैग में हम दोनों इक्वल थे, हमरा दुजने सेम छिलाम। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देखे ये रेस में फाइनली ये बंदा लॉन्चिंग अच्छा किया था एंड मेरा भी लॉन्चिंग ठीक हुआ था, तो पूरा इक्वल था दोनों का बाइक, हम लोग का पूरा इक्वल था। शायद थोड़ा सा मैं आगे रहा हूँगा, बट एक बात है, हीरो से 200 सीसी होने का बावजूद भी इसका एज सच परफॉर्मेंस उतना भी कुछ खास नहीं है। बट मैं फिर बोल दूँ, दिस बाइक इज नॉट फॉर ड्रैग रेसिंग एंड टॉप एंडिंग। ठीक है, ये बाइक में आप बहुत अच्छा से क्रूज कर सकते हैं, बहुत लॉन्ग किलोमीटर काउंट कर सकते हैं इस बाइक में। ठीक है, आई होप गाइज आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड मज़ा आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो हम दोनों राइडर के नाम पे ठोक दीजिए लाइक एंड अगर चैनल पे नए हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। ओके गाइज, बाय बाय।